एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। सो कल मैंने आपको बोला था ना, टोनर जो मैंने दिया था आपको, कि नेक्स्ट वीडियो में आपको एप्लीकेशन आएगा टोनर का। तो बस खुशबू एप्लीकेशन करने वाली है, ठीक है? ये रहा टोनर और खुशबू एप्लीकेशन कर रही है। सो चलिए अब मैं खुशबू से पूछती हूँ, आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। खुशबू ने कल मुझे बोला था कि इसमें एप्लीकेशन पार्ट नहीं डालना, बिकॉज थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी और आपको ये कुछ बताना चाह रही है ना। देखिए सब लोग आपको, जैसे मैं एकदम सिस्टर्स मानती हूँ, वैसे खुशबू आप सबको सिस्टर मानती है, और हर एक को ये चाहती है कि मतलब आपके जो प्रॉब्लम है ना, उसे हम लोग मिलके सॉल्व कर सकें। तो वो आपको थोड़ा सा गाइड करेगी, जो उसने जो जो फेस किया है वो आपको प्रॉब्लम बताएगी, और फिर उसको क्या रिजल्ट मिले वो आपके साथ शेयर करेगी, ठीक है? सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और खुशबू से सुनते हैं कि उसके बालों का लॉन्ग लंबे होने का राज और उसने क्या क्या चीज़ें करी है, ठीक है? सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। जी हाँ खुशबू, अब आप अपना बताइए थोड़ा सा, हम माइक उधर ले लीजिए, और अब आप बताइए व्यूअर्स को कि आपके बाल, मतलब आपको क्या फील हुआ था जब आपने आपने ऐसा, आपको क्या लगा कि आप बालों की वापस केयर करें, क्योंकि आपने बीच में तो बालों की केयर करनी छोड़ दी थी ना, तो आपको ऐसा क्या फील हुआ कि आपने सोचा कि वापस से बालों की केयर करें, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे आप? हेलो एवरीवन, आप मुझे जानते ही हैं, खुशबू हूँ मैं, और मैं आपको आपके साथ अपना ना फीडबैक शेयर कर रही हूँ। क्या हुआ था अभी बीच में ना, मैं बिल्कुल अपने बालों की केयर नहीं कर रही थी, और मॉनसून भी बीच में आ गया था, तो उस वजह से मेरे काफ़ी हेयर फॉल हो गया, और बहुत ज़्यादा बाल रफली हो गए थे, ऐसे हो गए थे कि मतलब आप झाड़ू ही निकाल लो मेरे बालों से, है ना, बिल्कुल इसी तरह हो रहे थे, क्योंकि केयर नहीं कर रही थी ना प्रॉपर, ना तो कुछ बालों में, ना मैं ऑयल लगा रही थी, ना मैं टोनर, कुछ भी नहीं, पैक कुछ भी नहीं कर रही थी, तो बाल बहुत ज़्यादा रफली हो गए थे। और जब से मैंने वापस से शुरू किया, और होता क्या है ना, जब मैं बिल्कुल छोड़ देती हूँ बाल ऐसे ख़राब हो जाते हैं, उसके बाद में मैं आती हूँ दी के पास में, और वही है, उनको अपना सारी प्रॉब्लम बताती हूँ कैसे ऐसे हो रहा है, फिर वो मुझे डांटते हैं कि बीच में क्यों बंद कर दिया था ये सब करना, और उसके बाद से फिर वो मुझे वापस से गाइड करते हैं कि अब मैं जो बोल रही हूँ वैसे कीजिए और लगाइए, तो बस उसी के अकॉर्डिंग मैं सब कुछ लगा रही हूँ जो दी बता रहे हैं, और अब मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए हैं। 60% मान सकते हैं कि मेरे बाल अच्छे हो गए हैं, रफली भी थोड़ा सा ये कम हुई है, फ्रेजीनेस, और सिल्की हुए हैं, हेयर फॉल है वो भी कम हो गया है। कुछ एक बाल टूट जाते हैं, वो तो नॉर्मल है, दी बोलती हैं तो नॉर्मल है, आप देख सकते हैं, देखिए कॉम में थोड़े से आए हैं, इतने बाल तो नॉर्मल वे में, अगर आपके 20-30-100 के अंदर बाल टूट रहे हैं वो नॉर्मल वे में होता है। अगर हेयर फॉल का मतलब ये होता है कि आपके 200-400-300 बाल टूट रहे हैं ना, उसको हेयर फॉल कहते हैं। अगर आपके रोज 50-60 बाल टूट रहे हैं तो वो हेयर फॉल नहीं होता है। इट मीन्स है कि आप बालों की केयर करें, बस प्रॉपर तरीके से करते रहें केयर। अगर आप बिल्कुल छोड़ देंगे ना, तो फिर आपके बाल बहुत ज्यादा टूटने लग जाएंगे, तो ये वाली चीज है। हाँ, तो इतने 50-60 भी नहीं टूट रहे हैं, 10-12 निकलते हैं अभी, आप देख तो अभी हुए ना आपके? जी हाँ, जब से केयर करने लगे ना तब से हुए हैं वापस से, तो बस यही है। उसके बाद में अब दी ने ऑयल बनाया था, वो मैंने लगाया इस वीक में 3 से 3 बार लगाया है ना, हाँ 3 बार मैंने उसको लगाया है, एंड उसके बाद मैं हेयर वॉश बनाया था वो भी यूज़ किया है, टोनर यूज़ कर रही हूँ, और अभी फिर से मैं करूँगी आपके साथ में ये वाला भी यूज़ करूँगी, तो आप देखिएगा इसका, और पैक भी लगाया है, तो उससे बाल अब काफ़ी अच्छे हो गए हैं, और ये 60% बाल हुए हैं, मैं 100% करना चाह रही हूँ, तो इसी तरह मैं बराबर केयर करूँगी, जैसे जैसे दी बता रहे हैं वैसे करूँगी। तो मेरा ये है कि मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आप लोग भी जैसे मैं केयर कर रही हूँ, जब मैं अपना फीडबैक आपको दे रही हूँ ना, तो आप लोग भी वैसे ही कीजिए, जिससे कि आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हेयर से रिलेटेड, ताकि वो सब सॉल्व हो जाए, टेंशन नहीं हो, अच्छा खाइए जो भी दी बताते हैं वैसे, और केयर कीजिए बालों की, डाइट भी बहुत ज़रूरी है, और ये आपको खुशबू के दिख रहा है ना बाल, अभी आप लोग पूछेंगे कि दी ये इसने हाईलाइट करवाए, ये हाईलाइट्स नहीं है, ये खुशबू ने, मैंने इसको एक पैक बना के दिया था, जो इसने वो पैक यूज़ किया है, मतलब कि आप ये बोल रहे हो कि होममेड हाइलाइटर है ये, समझ लो ये DIY हाइलाइटर है, कोई बाहर का केमिकल वाला नहीं है। तो आप लोग को भी इस तरह से हल्के से बाल है ना, रेडिश वाले या हाइलाइट्स वाले चाहिए, तो उसका आप जो पैक है, मास्क है, वो मैं दे दूँगी, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी होती है जो मैं बना के, मतलब जैसे ये आती है ना कि मुझे ये बनाना, तो मैं बोल देती हूँ ये चीज़ें मिक्स करके और बना लो, तो फिर वो चीज़ें मेरे पास से लेके बना लेती है और लगा लेती है, तो मैं उसका वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ ना, क्योंकि मैं खुद उस वक्त बिजी होती हूँ। तो ऐसे बहुत सारी DIYs है जो कि आपको चैनल पे भी नहीं मिलेगी, और वो हम लोग यूज़ करते रहते हैं, है ना, तो धीरे धीरे मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए।
सो ये अगर आप लोग बता देना ये हाइलाइटर आपको इस तरह का चाहिए, मतलब वीडियो आप भी अपने बालों को करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये जो टोनर स्प्रे हो रहा है अब, ये टोनर कल वाला है जो मैंने कल आपके साथ शेयर किया था। जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखा ये टोनर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे मैंने इसको उसमें डाल दिया है, खुशबू जो सीरीज़ बनाई ना मैंने, खुशबू रीग्रोथ एंड हेयरफॉल कंट्रोल सीरीज़, प्लेलिस्ट में उसका फोल्डर बना हुआ है, तो वहाँ पर ये मैंने टोनर का जो है ना वीडियो वहाँ डाल दिया है। सो आप लोग वो देख के और कर लीजिए। तो इसको इस तरह से आपको करना है, और इससे करने से पहले देखिए टैंगल फ्री करना है, जैसे खुशबू ने बालों को सुलझाया है ना, उसके बाद में कॉम्बिंग मसाज है, वही चार स्टेप आपको फॉलो करने हैं। फिंगर टिप से मसाज करनी है, कॉम्बिंग मसाज करनी है ना, इन्वर्जन मेथड करना है, बालों को सुलझाना है। ये सब करने के बाद में फिर आप ये टोनर अच्छे से स्प्रे करिए, बस लगाते रहिए, थोड़े बालों को दूर दूर करिए, लगाते रहिए और हल्की हल्की मसाज करते रहिए। तो इसे स्कैल्प के साथ साथ पूरी लेंथ पर लगाना है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा ये तो, और काफ़ी अच्छा इफेक्टिव। आप लोगों ने कल की वीडियो देखी है तो इसमें जो इंग्रेडिएंट हैं वो भी अच्छे हैं इसके, है ना। तो आप उसके हिसाब से इस टोनर को बना के और यूज़ करिए, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब इस टोनर को यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप दिन में एक बार लगा लीजिए, कभी भी लगा लीजिए, अगर आप सुबह लगा रहे हैं, दिन में लगा रहे हैं, रात में लगा रहे हैं, जब टाइम मिलता है एक बार पूरे बालों पे लगा के स्प्रे कर लीजिए और फिर छोड़ दीजिए, है ना। और अगर आपके सिर में तेल लगा हुआ है ना, जैसे खुशबू के तो अभी ऑयल नहीं है लगा हुआ, क्योंकि आपने कल हेयर वॉश किया था ना। जी कल किया था, तो इसने कल हेयर वॉश किया था, जब उसके ऑयल लगा हुआ था तो इसने हेयर वॉश कर लिया था। अब इसने आज ये टोनर स्प्रे करा है और टोनर के बाद में अब ये नाइट में वापस तेल लगा लेगी वही वाला, है ना। तो वीक में तीन बार तो आपको उस ऑयल को लगाने ही लगाना पड़ेगा जो आपको दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, और अगर आपके तेल लगा हुआ है तो भी आप इस टोनर को लगा सकते हैं, तेल नहीं है तो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रॉपर तरीके से करना। तो ये देखिए खुशबू इस तरह लगा रही है, बस आपको भी इसी तरह से अपने बालों की केयर करनी है, आपके भी बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। बस आप प्रॉपर केयर, बस प्रॉपर केयर करनी है आपको, जो भी बताते हैं वैसे आप करते रहिए तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, देखना। और मेरे भी काफ़ी हो गए हैं, बहुत जीरो पे आ गई थी, जिससे कि 60% रिकवर कर लिया है और अब 100% है, 40% बाकी है जो कि आपके साथ में हो जाएगा। हाँ, ये सीरीज चल रही है ना, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको मोटिवेट ही कर रही थी मैं, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है, क्योंकि प्रॉपर केयर करेंगे ना तभी कुछ मिलेगा। आज सिर्फ बोलने से या कहने से नहीं होगा कि ऐसे हो रहा है और करते कुछ नहीं है ना तो फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सब बातें मैंने फेस की है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और वैसे आप कमेंट पढ़ लीजिए, हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट होते हैं, लोग जो दूसरे यूज़ कर रहे हैं वो लोग भी फीडबैक देते रहते हैं, तो उनका फीडबैक भी आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ मैं करनी चाहिए। फिर ऐसा नहीं हो कि एक टाइम आए कि भाई हमारे बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हो फिर वो कवर रिकवर नहीं हो पाए, है ना। ऐसा कंडीशन मत आने देना, उससे पहले ही अपने बालों की केयर शुरू कर देना। इसको लेंथ पे भी लगाना ना? हाँ पूरा लगाना, ऊपर से नीचे लेंथ पे सब जगह लगाइए ना इसको, पूरा लगाना है इसको। और एक और चीज़, इसको पूरा लगाने के बाद में है ना आपको कंघा फिर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। एक दो घंटे ये जब बालों सूख जाएंगे ना उसके बाद कॉम्ब यूज़ करना, उससे पहले नहीं करना। और खुशबू मुझे बोल रही है कि मुझे बाल कट करवाने हैं, अब इसकी सुनो, इतने लंबे पहले तो बाल किए, अब बोल रही है कि मुझे हेयर कट करवाना है, अब इसका हेयर कट हो जाएगा फिर बोलेगी मुझे बाल लंबे करने हैं। तो अब लंबे करने हैं कि हेयर कट? अरे गाइस आप सुनिए, देखिए ना मेरे बाल बहुत शॉर्ट थे, आपको पता ही है, मैंने अपनी जर्नी आपके साथ शेयर की थी, तो बिल्कुल इतने यहाँ शोल्डर तक आते थे ना, फिर मुझे शौक लगा था मुझे अब बाल लंबे करने हैं, तो फिर मैंने बहुत सारी रेमेडीज सब कुछ किए, जो जो दी ने बताई वो सब मैंने किया, तो आप देख सकते हैं अब मेरे बाल कितने लंबे हो गए हैं। और अब मैं मुझे शौक चढ़ रहा है कि मुझे हेयर कटिंग करवानी है, मैंने 3-4 बार दी को बोल दिया है कि मुझे हेयर कटिंग करवानी है, बट ये मना कर रहे हैं कि नहीं अब तुमने इतने बढ़ाए हैं तो मत कटवाओ। इसलिए आप लोग मुझे बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं हेयर कटिंग करवा लूँ या नहीं करवाऊँ। अगर करवाना भी है ना तो ये नीचे जो पतले पतले बाल है ना, हाँ थोड़ा ट्रिमिंग हो जाएगी ना, हाँ जो एक लेवल में नहीं है ना बस वो कटिंग होगी, ट्रिमिंग तो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन अगर आपको कटिंग ही करानी है तो आप 4 इंच बाल या 6 इंच बाल कट करवा लेना, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि देखिए इसके है ना स्टार्टिंग से स्टेप कट था, स्टेप कट होता है, उसमें स्टेप कट में देखिए बाल पूरे खराब हो जाते हैं, पूरे आपके बाल ऊपर छोटे 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 होते होते नीचे आते हैं ना, तो वो एक पूंछड़ी टाइप बन जाती है ना, क्योंकि बाल लेवल बराबर नहीं होता स्टेप कट में, है ना। तो इसलिए खुशबू के स्टेप कट स्टार्टिंग से हो रखा था, तो अब नीचे आते हुए इसके बाल देखो आपको दिख रहे हैं ना पतले, वो इसी वजह से है, क्योंकि सब बालों का जो है ना लेवल वो सेम नहीं है। तो इसलिए अब आप ये वापस से अगर बालों को कटिंग करेंगे और फिर वापस वो बोल रही है लेयर कट करवा लेती हूँ, मैंने कहा लेयर में करवाना है ना
तो लेयर कटिंग के अंदर फिर बाल खराब होने हैं, क्योंकि लेयर में फिर आपके बाल छोटे करते हैं वो, फिर नीचे वाले और छोटे, फिर छोटे, तो वो आपके बाल है ना एकदम नीचे आते आते तो पतले हो जाते हैं, और वो चार दिन ही अच्छे लगते हैं खुशबू, बाद में फिर देखना आप चार दिन बाद में वो बाल आपके अच्छे नहीं लगेंगे, फिर आपको खुद को ही फील होगा कि आप क्यों कटाए, हमको लेयर कटिंग ही करवानी है। जैसे दूसरों को देख के रिबॉन्डिंग करा लेते हैं, स्ट्रेटनिंग करा लेते हैं, कैरेटिन ट्रीटमेंट ये सब पार्लर से करा लेते हैं, और वो लोग इतना केमिकल सिर में डालते ना, इतना केमिकल डालते ना कि उस वक्त आपके बाल एकदम स्मूथ हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि बस आपके बाल बाल मतलब चार दिन ही अच्छे लगेंगे, उसके बाद में तो आपके बाल जब झड़ना स्टार्ट होंगे ना फिर वो पार्लर वाले कोई कुछ नहीं करेगा, फिर आप बस यही है कि आप सोचोगे अब क्या करें, अब कैसे बालों को कंट्रोल वापस कंट्रोल में कैसे लग, नहीं रिबॉन्डिंग तो नहीं करवाएंगे हम, वो हमारे बाल काफ़ी थोड़े हो गए हैं, वो रेमेडी से ही हो गए हैं और हो जाएंगे पूरे ना, पर ये है कि लेयर कटिंग का हमको बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेयर कटिंग करवा, लेयर कटिंग से बाल वही है ना खराब हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं, नीचे से बस थोड़े से कटिंग करा ले, इतने लंबे बाल लोग तो तरसते हैं कि हमारे बाल इतने लंबे हों, और अब देखो इसने इतने लंबे बाल करके अब वापस से ये शॉर्ट करने पर आ गई है, तो बस अभी नहीं करना है शॉर्ट, बस अगर कटिंग होगी तो मैं वीडियो जरूर शूट करूंगी, ठीक है, जो भी अगर डिसाइड होगा ना वो कटिंग नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कटवा लूं मैं या नहीं, ठीक है, उसके बाद में फिर मैं सोचूंगी। अब थोड़ी सी मसाज कर लीजिए ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, और ये देखिए टोनर स्प्रे हो चुका है, खुशबू ने कर लिया है, बस इसको अब आप जूड़ा बना के और इसको छोड़ दें एक घंटे के लिए, बालों को ओपन भी रख सकते हैं ना, तो बस ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी, बिकॉज ये आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करने वाली थी, तो अब आप लोग केयर करिए, खुशबू सीरीज देखिए चैनल पे दो है, जब खुशबू के छोटे से बाल थे ना तब से इसने स्टार्ट किया था करना, तो एक तो खुशबू लॉन्ग हेयर सीरीज के नाम से फोल्डर बना हुआ है, ठीक है, और अभी जो सीरीज स्टार्ट की है उसके अंदर आप देख ही रहे हैं कि रीग्रोथ और हेयरफॉल कंट्रोल सीरीज है, ओके, सो यहाँ पर इस तरह से खुशबू केयर कर रही है अभी, तो इसके बाल अच्छे हो गए हैं, आप लोग करेंगे तो आपके भी बाल आपके भी हो जाएंगे, है ना, तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एप्लीकेशन पार्ट हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको ये वीडियो अगर चिट चैट वाली वीडियो खुशबू की फीडबैक की वीडियो अच्छी लगी है तो आप नेक्स्ट बोलेंगे तो वो और भी वीडियोस हम लोग इस तरह की आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं किया है, ओके, एंड सभी के साथ में शेयर करिए और लाइक तो जरूर करके जाइएगा, ठीक है, बाय गाइस।